तो ये एक रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सी पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसी सप्लाइयाँ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनमें पर्टिकुलर छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं जो सीरीज़ या पैलर कंडीशन में होते हैं जो कि सीरीज़ और या पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर्स होते हैं जिनके निकलने से आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो बंद हो जाता है तो वन ऑफ दिस रजिस्टर इज़ कॉल्ड आर वन टू जीरो वन एंड जो कि है टू फोर्टी उम्स का दोस्तों so, इसको पुल डाउन किया गया है विच कॉल्ड ई बी आई कैलिब्रेशन एस्ट्र रजिस्टर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यहाँ पे पहले बता दिया है कि एस्ट्रिक मतलब इंडिकेट मॉडर्न पावर मैनेजमेंट ये एक वेकअप पिंस है मतलब ये तो जो सेक्शंस होते हैं उनको वेकअप करने के लिए एक सेक्शंस बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं पहले ही लिखा हुआ है जीपीआई जनरल पर्पस इन आउट और आप तक जहां तक आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ना जितनी भी आई टू सी सेंसर है इंटरप्टेड ये सारी लाइनें जी जनरल पर्पज़ इन आउट से जुड़ी होती हैं मतलब बेसिकली वेकअप कम्युनिकेशन होती है ठीक है पावर टू है तो हम पहले पावर वन में जाते हैं तो ये हमारा पावर वन देखो सी का ना खुद का एक पावर होता है है मतलब CPU को भी पावर चाहिए आप अब तक है ना सिर्फ पावर में जूझ रहे हैं आप, आप देखो तो आपको पावर आ, CPU के भी पावर सेक्शन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सीपी के पावर सेक्शन की बात करेंगे ये दो वोल्टेज नहीं बने तो आपका पोर्ट नहीं बनेगा तो सीपीयू आपका पोर्ट नहीं बनाएगा तो दिस सी रैम की सप्लाई है जी और जनरल पर्पस ये दो पार्ट में है पार्ट वन पार्ट टू भी हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ मिपी की सप्लाई की डिस्प्ले की सप्लाई कैसे बनती है और आपके कैमरे की सप्लाई कैसे बनती है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ये हमारे बेस बैंड का प्रोटोकॉल है जो कि सी का है क्या क्या चाहिए तो ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये हमारे पावर वन जो कि हमारे सी की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पावर व टू पावर वन और पावर थ्री तो ये है आपका पूरा की पूरा सो हेलो माय यूड्यू फैमिली कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे आई होप यार ये मेरा एक दूसरा वीडियो है यहाँ मैं लेके आऊँ सी पी को आइए आज हम सी को पढ़ते हैं और क्यों नहीं हम समझते हैं सी के लिए और ये वीडियो रहेगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए सो so, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नेक्स्ट डे एक नया सी पढ़ने को मिले यार कुछ नया नया लाता रहूँगा और आपको वीडियो से सिखाता रहूँगा चलो अब हम बात तो चलिए तो चलिए दोस्तों जो आज हम सीपीयू करने वाले हैं वो है एम एस एम एट नाइन वन सेवन जी हाँ आइए उसको पढ़ना और उसको पढ़ते हैं क्योंकि तो अगर आप सी को पढ़ लेते हैं तो आपके प्रोटोकॉल क्लियर है सर आपके है ना अगर डिस्प्ले देखो सी का वीडियो है ध्यान देना अगर डिस्प्ले आप सारे कनेक्टर पे चेक कर रहे हो फिर भी नहीं बन रहा है ये कैमरे पे चेक कर रहे हो फिर भी नहीं बन रहा है रैम के कुछ प्रॉब्लम आ रहे है फिर भी नहीं बन रहा है फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो ये सारी ना बूट सुन से कहीं हट के अलग एक प्रो लेवल की बात हो जाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का पेड कंटेन हो सकता है भैया सो so प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर मैं आपको सी पढ़ा रहा हूं और राइट नोट डाउन ऑन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई विल बी टीच यू ऑन दिस अपकमिंग वीडियो सो चलिए शुरू करते हैं अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सीपीयू का जो नंबर है यू डबल वन जीरो वन अगर हम बात करेंगे सीपीयू बहुत से सेटों में लगाया तो देखो ये मैं प्राइमरी सीपीयू की बात करूंगा मैं इसके बाद एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इससे अपग्रेड सीपीयू की बात करूंगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपग्रेड में तो क्योंकि बोलते ना कि अपग्रेड रहोगे अपडेट रहोगे तो अपग्रेड रहोगे सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की हम सीपीयू को शुरू करते हैं आपको तो पता है कि किसी भी आईसी को पार्ट में बनाया गया है क्योंकि एक ही बड़ी आईसी को एक में शो नहीं कर सकते हैं और इनको सेक्शन वाइज इनको शो करना होता है तो हम क्या करते हैं हम यहां पर सबसे पहले ए लेते हैं नोटिस कीजिए तो यहां पर हम सबसे पहले ए ए पार्ट पार्ट लेंगे पार्ट ए। और अब हम यहां पर ये यह देखिए तो हमारे पास पार्ट ए आ गया है अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि इसको हम जूम करके इसको पढ़ा सकें चलिए आई होप कि आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर सी पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए में सो तो ये भी समझेंगे कि क्या इसके सप्लाई लाइन हो सकती है और बेसिकली ये कितना ज़रूरी हो सकता है आपके लिए तो अगर हम बात करें तो को पार्ट ए सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए और इसको मार्क किया जाए तो ये कंट्रोल के लिए दिया है मतलब सीपीयू अपने कंट्रोलिंग पावर के लिए इसको रखा है पावर नहीं कंट्रोल के लिए सो so, सबसे पहले क्या तो so, सबसे पहले ये लाइन आप देखेंगे ग्राउंड के बाद तो so, यहाँ पर लिखा है सी एक्स मतलब कंट्रोल ऑक्सीलेटर सो so, सीपीय को यहाँ पर कंट्रोल ऑक्सीलेटर बीबी क्लॉक की सप्लाई आप देख रहे हैं कि यहाँ से बीबी क्लॉक की सप्लाई आ रही है और यहीं से सी एक कंट्रोल ऑक्सीलेटर ई की सप्लाई जो की दे रहा है आपके पावर को जो कि आपको पता है कि ये सप्लाई आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ स्लीप क्लॉक सीपीयू को मिलते हैं स्लीप क्लॉक पर 32 टू किलो हर्ट थर्टी किलो हर्ट्स के फ्रिक्वेंसी जो कि आपको यह भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो यह सीपीयू के कंट्रोल पिन है सो so, बेसिकली uh, हम इन तीन लाइन पर अगर हम देखें सो so, यहाँ पर हमें वन पॉइंट अच्छा वन पॉइंट एट वोल्टेज की बात करें मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर फ्रिकुंसी चलती है तो यहाँ पर आपको पॉइंट एट पॉइंट फाइव इस तरह के कुछ वोल्टेज भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप वोल्टेज की बात करें और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो क्योंकि ये जो सी uh, टू लगा है उन्नीस मेगा हट्स के क्लॉक uh, स्पीड के साथ लगा है तो यहाँ पर आपको जो फ्रिक्वेंसी देखेंगे वो आप उन्नीस मेगा हट्स की फ्रिकुनसी देखेंगे और यहाँ पर आपको स्लीप क्लॉक जो कि थर्टी टू किलो हट्स की फ्रिकुनसी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर नोटिस करूं तो ये अगला पॉइंट है रिसेट इन जो कि पावर ऑन रिसेट है जो कि सीपीयू सीपीट एट वोल्टेज के साथ मिलता है जिससे आपको तो पता ही हो ना पावर ऑन रिसेट क्या होता है आइए इसको ले चलता हूं और ये देखिए यहां पर पी पीएम के लिए पावर ऑन रिसेट की लाइन है और अगर मैं इस लाइन को ले लू और आप नोटिस करो ना ये पावर ऑन रिसेट की लाइन ये देखिए पावर ऑन रिसेट की लाइन है और जो हमारे बेसिकली मेन पावर से निकल कर हमारे सी को जाता है और उसी के बाद हमारी पी होल्ड की लाइन बनती है भैया फिर अगर हम बात करेंगे तो वन पॉइंट वोल्टेज जो कि पी से इनेबल होकर हमारे किसमें आते हैं बोलिए बोलिए किसमें आते हैं ये हमारे आते हैं आपके मेन सीपीयू के अंदर तो ये भी मिलना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है तो अब उसके अगले पिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम एस एम रिसेट आउन तो व्हाट इज रिसेट आउन अंडर स्कोर एंड तो मेरे भाई ये जो है ना ये ईम एम के अंदर सप्लाई जा रही है इट इज़ अ रिसट सप्लाई ऑफ ईमएमसी अगर हम बात करें तो इसको मैं दिखाना चाहूंगा अगर मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं सो आप नोटिस कीजिएगा देखिए एम एस एम रिसेट ऑन ईम एमसी के अंदर जा रही है जो कि क्लॉक डाटा रिसेट की जो होती है उसमें से वन ऑफ सप्लाई रिसेट की सप्लाई है जो कि आपकी ईम में जा रही है ठीक है तो ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं बट आप इसमें फिलहाल सीपी हटाकर आप ईम का रिवर्स जी चेक कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है और बाकी के दो बोर्ड आपके एनसी है अब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है नोटिस कीजिएगा दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बताकर ये वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों पी एस होल्ड की सप्लाई है जो कि सीप्यू लगने के बाद में में वोल्टेज के साथ में यहां पर देता है तो ये को लगना बहुत ज्यादा जरूरी है पावर सुकेंस होल्ड बोला जाता है जो हमारे बक सेक्शन एल डीओ सेक्शन को होल्ड करता है ठीक है ये हमारे कॉलकम सीप्यू बनाते हैं और दोस्तों ये जो है ये हमारे टेस्ट पॉइंट ये ये कहीं नहीं जाते हैं ये टेस्ट पॉइंट है जो कि कंपनी यूज करती है खुद के फोमवेयर को चेक करने के लिए तो ये हमारे को यूज नहीं करना है जेटेक की सप्लाइया हैं और अगर इसके बाद बात करें दोस्तों ये है वोल्टेज रेफरेंस फॉर एल पी डी डी, डी, डी आर थ्री हमारे रैम जो कि यहाँ पे डी डी आर थ्री लगा हुआ है और ई बी आई आई ओ एसनल बस इंटर इन आउट सप्लाई जिसको चैनल जीरो सी ए मतलब यहाँ पे कमांड एड्रेस होता है तो ये वोल्टेज रेफरेंस की सप्लाई है और इसके साथ आप देख सकते हैं वी एस एक्स आपको टेक्निकल इन्फॉर्म वी एस एस ग्राउंड की सप्लाई होती है जो कि यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है अब जो इंपोर्टेंट सप्लाई है हम उसकी बात करेंगे और बेसिकली तो सभी चीज़ इंपोर्टेंट है तो दोस्तों बेसिकली एच uh, डी सी वन आर क्लॉक और एच डी सी वन क्लॉक और एच डी सी वन कमांड ये सब ये सब सप्लाई क्या होती है तो so, ये सप्लाई मैं बता देता हूँ जो सी पी यू को कंट्रोल में दी जाती है इसको बोलते हैं सिक्योर ये हमारा सिक्योर डिजिटल अगर हम बात करें डिजिटल और सी का मतलब है कंट्रोल और आर का मतलब है रिसेट क्लॉक तो ये हमारी रिसेट क्लॉक की सप्लाई है ये क्लॉक की सप्लाई है जिसमें जीरो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है और ये हमारी कमांड की है तो ये तीनों के तीनों सप्लाई हमारी जाती है ई एम एम सी आपके एम एम सी की सप्लाई जो कि आप जैसे आई एस पी करते हैं भाई क्लॉक रिसेट क्या क्या बाबू भूल गए क्या रिसेट क्लॉक कमांड ठीक है अभी अब बात करेंगे दोस्तों ये हमारे डाटा हैं अगर हम ई e सॉकेट यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे सारे डाटा यूज़ होते हैं अगर हम आई यूज़ करते हैं तो डाटा जीरो यूज़ होता है सो तो ये आपके बेसिकली एमएमसी एम का डाटा स्टोरेज है वैसे या, या तो बोले कि डाटा की सप्लाई एमएमसी एम के डाटा की सप्लाई है, जीरो से लेकर सेवन तक सो बेसिकली आप अपना सीपीयू निकाल के इन सब पर आप जीआर चेक कर सकते हो ये सारे जीआर आपको 800 से कम मिलने चाहिए दाने के ये सारे जीआर आपको 800 से कम मिलने चाहिए अब इसके बाद और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर ये एच डी सी वन का आप आप मतलब समझ गए होंगे इसको नोट कर लीजिएगा इसको बोलते हैं सिक्योर डिजिटल कंट्रोल फॉर डाटा सिक्योर डिजिटल कंट्रोल फॉर कमांड एंड रिसेट एंड क्लॉक अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए सिक्योर डिजिटल क्लॉक कमांड डाटा सेम चीज़ है पर यहाँ पे एच डी कार्ड के लिए है तो इट इज फॉर योर एच डी कार्ड जो आप कार्ड लगाते हो ना अपने हाइब्रिड सिम कार्ड कनेक्टर के लिए तो सेम चीज़ यहाँ पर उसके लिए दी हुई है जो कि कार्ड के कनेक्टर पर जाता है हमारा क्लॉक कमांड और डाटा जीरो से डाटा थ्री तक तो यहाँ पर हमारे एच डी कार्ड की कनेक्ट कनेक्टर की कनेक्टिविटी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है यू एस बी एच एस डी एम का मतलब होता है यू एस बी हाई स्पीड फॉर डाटा माइनस एंड हाई स्पीड फॉर डाटा प्लस तो ये यह बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 300 सौ के रजिस्टर जो कि बेसिकली ये आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं सीपीयू के पास या कनेक्टर है या आपके बी टू बी कनेक्टर के पास और ये हमारे आ, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे डाटा प्लस डाटा माइनस की कनेक्टिविटी है जो कि हमारा पोर्ट बनता है मेन जो पोर्ट बन रहा है वो हमारे इस लाइन की वजह से बन रहा है पर इसमें भी कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में खुलासा करूँगा और इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो बेसिकली ये हमारे डीपीडीएम की सप्लाई है और ये हमारे आईडी की सप्लाई है जिसको हम आईडी बोलते हैं जिसको आप बेसिकली कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन की सप्लाई जो ओ है जो आप कहते हैं ना कि सर आ, हमारा ओ काम करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो होम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि नियर यहां पर रिप्लेस तो कि यहां पर ये ओ ये जो रजिस्टर है कहीं भी हो सकता है तो यहां पर देखो दोस्तों हर रजिस्टर पर आपको कुछ यहाँ पर एक नोट्स बना के दिए हैं ये बताया है कि ये सी के पास ही लगा होगा सी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये ये बैक फ्रंट में या कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है ठीक है ये भी यू का दोस्तों एक इसको हम पुल एक रजिस्टर टू हंड्रेड ओम्स का पुल डाउन किया हुआ है तो ये रजिस्टर भी बेसिकली जैसे कि हम बोले ना एक एस्टर्नल की जैसे काम कर रहा है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द यूएसबी सर्किट तो दोस्तों आप बात करते हैं पीएमआईसी सी क्लॉक और पीएमआईसी पीएमआईसी सी डाटा सो so, ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सप्लाई बेसिकली होती है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डाटा इन क्लॉक ये आपकी मेन पी से आपको मिलती है और बेसिकली ये एक्चुअली क्या ना मिलती नहीं है दी जाती है बाय सी पी यू तो ये क्लॉक और एक प्रोटोकॉल की जैसे काम करता है और ये क्लॉक की सप्लाई जा रही है और डाटा क्या है जा और आ मतलब सिंकनाइज़ कर रहा है एक दूसरे के साथ और ये देख रहा है कि आ, दोनों आई सी ओ सी पी ओ और पावर के बीच के कम्युनिकेशन गैप को कम कर रहा है मतलब एक दूसरे से बात

एल पी डी डी आर यह हमारे एक जो रैम है उसके एक वोटेज रेफरेंस की सप्लाई है और अगर इसके बाद बात करें तो ये सिक्योर डिजिटल कंट्रोल ये हमारे ईम एम सी की सप्लाई है ये हमारे ईम एम सी का डाटा की सप्लाई है ये हमारे एच डी कार्ड की सप्लाई है और ये हमारे यूएस बी की सप्लाई है और ये हमारे यूएस बी के प्रोटोकॉल को पूरा कर रहा है बाय एस्ट्रोन रजिस्टर विच इज रिकॉर्ड टू मेक योर सिस्टम कम्प्लीट ठीक है जो कि जो कि मैं कह सकता हूँ विच इज रिकॉर्ड टू मेक योर सिस्टम कम्प्लीट ठीक है तो एस पी एम आई प्रोटोकॉल है और ये प्रोटोकॉल मिलना बहुत जरूरी है ये आईसीओ के बीच के संबंध की बात है तो ये बेसिकली आप पावर आईसी निकाल के इनके पैड के जी चेक कर सकते हैं नहीं आएगा तो ये भी आपके बूट लूप में जा सकता है ठीक है अब हम इसके बाद बात करें अब हम बात करते हैं अब हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे तो अब हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं बी तो नोटिस कीजिए दोस्तों अब हमारे पास इसका बी पार्ट आया है सो तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर हेडिंग डाली गई है ई बी आई ओ तो ये इसके रैम का पार्ट है और जिसको एक्स्टर्नल बस इन आउट एक्सटर्नल बस इन आउट कहा गया है सो तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो आप देखें तो हर चीज पेयर में दी गई है तो ये सारी चीज पेयर में आपको मिल सकती है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे ई बी आई ओ और सी एस तो सी एस का मतलब होता है चिप सिलेक्टेड तो यहाँ पर आपको जो बात की गई है वो चिप सलेट और यहाँ पर है ये क्लॉक सप्लाई है तो ई भी आई मतलब एस्ट्रल बस इंटरफेस क्लॉक की सप्लाई है क्लॉक पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि पेयर में ये भी कम्युनिकेशन के ज़रिए है जिससे फ्रिक्वेंसी को रैम के थ्रू जोड़ा गया है और इसको बोलते है तो हैं क्लॉक इनेबल तो सी के ई इसको बोलते हैं हम क्लॉक इनेबल की सप्लाई है जिसमें आप देख सकते हैं जीरो और वन सो so बेसिकली एक चैनल के जैसे हैं यहाँ पर और बाकी इसके बाद में जो आ रहा है ई जिसको एक्स्ट्रल बस इंटरफेस डी मतलब डाटा इसको हम बोलते हैं डाटा मार्क्स ठीक है और डाटा मार्क्स बेसिकली सप्लाई कहा जाता है और इसके अलावा जो यहाँ पे डी क्यू एस आपको दिखाई दे रहा है डी क्यू एस सो इसको कहते हैं डाटा स्ट्रोब डाटा आपका बेसिकली स्ट्रोब सो डाटा स्ट्रोक की सप्लाई इसको बोली जाती है तो ये सारी की सारी सप्लाई आपकी रैम आईसी से कनेक्टेड होती है और ये सारी की सारी सप्लाई आपकी रैम आपको और रैम आईसी से यहाँ पर कनेक्शन है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं इस आईसी को यहाँ पर टच करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आप रैम आईसी पर आ गए हैं और ये आपकी एल पी डी डी आर थ्री जो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है रैम आईसी की ठीक है तो ये सारा आपका सप्लाई सी पी यू से निकलने वाला है दिस इज ऑल आउट दिस इज़ ऑल आउट एंड दिस इज़ ऑ ऑल योर फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन इन बिटवीन यू रैम एंड सी पी यू अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वट इज़ ई बी आई आई ओ सी ए अगर मैं सी ए की बात करूँगा तो इसको कमांड एड्रेस की सप्लाई बोला गया है तो इसको बोलते हैं एस्टरनल तो हम इसको बोल सकते हैं एस्टर्नल बस और आई ओ मतलब आपको पता है इन आउट और सी ए मतलब आपका कमांड और एड्रेस बेसिकली कमांड एड्रेस की सप्लाई है सो दिस दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर रैम सप्लाई सो अगर एक भी लाइन ओपन हुई तो योर रैम इज नॉट टू गोइंग वर्क आपकी रैम वर्क नहीं करने वाली अभी आप बात करें ये सारा रैम का डी डाटा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दोस्तों ये एक रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सीपीओ पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसी सप्लाइयाँ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनमें पर्टिकुलर छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं जो सीरीज़ या पैलर कंडीशन में होते हैं जो कि सीरीज और या पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर्स होते हैं जिनके निकलने से आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो बंद हो जाता है तो वन ऑफ दिस रजिस्टर इज कॉल्ड आर वन टू जी

फंक्शन इज कॉल्ड ई बी आई और जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बस इंटरफेस कैलिब्रेशन रजिस्टर सो ये रजिस्टर्स आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप एक बूटिंग में पढ़ते हैं जब आप रैम का आप बोलते हैं ना सर रैम नहीं काम कर रहा अभी क्या करो तो इस टाइम पे आपको ये देखना है कि मेरे एमएसएम एट नाइन वन सेवन जो कि मैं अभी सीपी यूज कर रहा हूँ सो so वहां पर हर सी पी ऊ पर आपको ये रजिस्टर मिलेगा ही मिलेगा तो ये भी देखो लिखा हुआ है प्लेज आर वन टू जीरो वन क्लोज टू एम एस एम एम एस एम पिन तो उसके पास आपको ये रजिस्टर मिलेगा इस

तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले बता दिया है कि एस्ट्रिक मतलब इंडिकेट मॉडर्न पावर मैनेजमेंट ये एक वेकअप पिंस है मतलब ये जो सेक्शंस होते हैं उनको वेकअप करने के लिए एक सेक्शंस बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं पहले ही लिखा हुआ है जीपीआई जनरल पर्पस इन आउट और आप तक जहां तक आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ना जितनी भी आई टू सी सेंसर है इंटरप्टेड ये सारी लाइने जीपीआई जनरल पर्पज इन आउट से जुड़ी होती हैं मतलब बेसिकली वेकअप कम्युनिकेशन होती है ठीक है थेके? तो सबसे पहले ये सारे यहाँ पर फंक्शन तो देखेंगे तो यहाँ पर तो सारी चीज़ों में जी पी आई हो जी पी आई हो जी पी आई ओ लिखा है अब हमको बेसिकली यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ क्या है तो पहला अगर हम लाइनों को पढ़ना चालू करें यहाँ से तो पहला है वॉच डॉग डिसेबल सो तो दोस्तों ये लाइन कहीं नहीं जाती है ये कॉन्फिग्रेशन पिन है जिसको डिसेबल किया गया है आप देख सकते हैं कॉन्फिग्रेशन यहाँ पर जीरो है तो वॉच डॉट डिसेबल सो यू डोंट नीड टू चेक दिस लाइन एट ऑल आपको इस सी पी यू पर अभी मैं आप ये याद रखें मैं एम एस एम एट नाइन वन सेवन की बात कर रहा हूँ अच्छा इसके बाद में ये युवा ड्राइवर के आपके कम्युनिकेशन पैड है जिसमें ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सप्लाई जुड़ी हुई है सो दिस आल्सो यू डोंट नीड टू चेक वाइल योर वर्किंग ऑन द बूट सो अभी बात करेंगे हाँ बट ये आई सी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज आई टू सी सप्लाई फॉर एल ई डी अभी एल ई डी के कौन से uh, भाग को आई टू सी से कम्युनिकेट करे है। आपको तो पता ना इंटर इंटीग्रेटेड जो कम्युनिकेशन होता है जो दो आई सी ओ का कॉल होता है एक दूसरे को बात करने का तो वो आई टू सी कम्युनिकेशन होता है जो छोटी छोटी स्लेव आई से जिससे हम बात करते हैं ना कि भैया एक कंपनी का मालिक है अब उसने क्या बहुत सारे उसके मैनेजर्स हैं उसके नीचे बहुत सारे हैं तो वो सारे मैनेजर से कनेक्ट करने के लिए तो बेसिकली वो उनके स्लेव होते हैं स्लेव मतलब सेकेंडरी सप्लाई या सेकेंडरी आई सी एम सो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये आई टू सी कम्युनिकेशन है और यहां पर एफ की बात करेंगे तो ये फिंगरप्रिट रिस सप्लाई है जो फिंगरप्रिंट के फिंगरप्रिंट uh, को रिसेट करता है ऑलवेज हर टाइम जब भी, भी आप कुछ नया फिंगर फिंगरप्रिंट को ऐड करते हैं या रीड राइट करते हैं और ये फिंगरप्रिंट का रिक्वेस्ट अप्लाई है इंटरप्टेड सॉरी इंटरप्टेड सप्लाई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिंगरप्रिंट का कम्युनिकेशन आई सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी ईच सेक्शंस और ये सप्लाई जो की होती है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सी टू एंड गोज टू द बोलते ना बहुत सारे सी टू ऑल लगभग सारे सेक्शंस में ही ये कम्युनिकेट करती है सो so, हमको ये चेक करना है भाई ये लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए तो ये चेक करने के लिए हमें सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है हम फिग्जापिड कनेक्टर पे बेसिकली सीपीयू का जीआर चेक कर सकते हैं ठीक है अब और बात करें टी पी आई टू सी एच डी टी पी आई टू सी जो हमारा आई टू सी एल तो ये हमारा भी आई टू सी लाइन है तो एक आई टू सी यहाँ पर था हमारा तो ये बेसिकली हमारी एल ई डी फंक्शन के लिए यूज़ हो सकता था अभी इसको और खोलेंगे तो हमारे को पता और पता चल जाएगा कि वो फ्लैश एल ई डी है या कौन सी एल ई डी है ठीक है तो अभी तो फिलहाल मैं सी पी यू में हूँ तो यहाँ पर भी बात करेंगे तो ये टच पैनल इसको बोल सकते हैं तो ये टच की सप्लाई है ठीक है तो आप देख सकते हैं, हैं uh, मतलब यहाँ पर सेंसर्स की आई टू सी सप्लाई दी है एंड दिस टू सप्लाई वी कैन से दैट दिस टू सप्लाई आर एन एफ मतलब यहाँ पर नॉट फाउंड ये सप्लाई कंपनी ने हटा दी है और उसके बाद की बात करेंगे दिस सप्लाइज आल्सो एन इसके बाद ये जो है ये कंपनी ने क्या किया है इस सप्लाई से जी पी आई ओ अठारह जी पी तो बी ई सिक्स एंड बी ए फाइव सप्लाई को जो रहा है एस एम बी आई सी फॉर देंडिंग चार्जिंग डाटा टू सी पी यू सो ये इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ पर मिस मैच हुआ या लाइन ब्रेक हुई सो so ये क्या होगा कि आपको इंटरप्ट uh, की सप्लाई मतलब आपको इंटरपसन महसूस होगा जब भी, भी आप Uh, मतलब चार्जिंग का सही डाटा आप डिस्प्ले में देख नहीं पाएंगे सो जस्ट लाइक दिस तो ये आपको होने वाला है अब इसके साथ अगर मैं और बात करू यहाँ पे आपको और प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं सो आइए इन सारे प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जैसे कि मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा अच्छा दोस्तों यहाँ पर यह सारी की सारी ये जो सप्लाई है ये एस प्रोटोकॉल है जिनको सीर पैलिपो इंटरफेस और मौसी मतलब मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट अगर इनको कहा जाता है चिप सिलेक्टेड एंड क्लॉक दिस इज द प्रोटोकॉल एंड इट इज अ एडवांस प्रोटोकॉल अगर हम बात करें टू इट इज अ एडवांस प्रोटोकॉल दैन आई टू सी तो अगर हम बात करें क्योंकि आई टू सी एक क्या है एक टू वे कम्युनिकेशन है दिस इज लाइन क्योंकि आई टू सी क्यों एक वन वे कम्युनिकेशन बोल सकते हैं ना आई टू सी इज वर्ड एस डी ए रीड एंड राइट बट यहां पर क्या हो रहा है रीड राइट एट द सेम टाइम साम इंटेंसली एक रीड राइट का सिस्टम यहां पर दिया गया है तो यू कैन ऑल्सो चेक दिस और यहां पर आप कैसे चेक करेंगे हाउ यू कैन चेक सो अभी अगर मैं बात करूं तो यू कैन चेक ऑल रिलेटिव जी आर विच इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली सीपी यू ऑन योर एव मतलब फिंगरप्रिंट कनेक्टर ठीक है so, सो फिंगरप्रिंट प्रिंट कनेक्टर पे आप डायरेक्ट जीआरडी चेक कर सकते हैं सो so, दिस ऑल ये सारे कि जीआर आपके है ना 600 सौ लगभग होने चाहिए या उसके अंदर या फिर साढ़े चार सौ पाँच सौ ये बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो ये आपको चेक करना आना चाहिए अब दोस्तों इसके बाद जो सप्लाई है अगर मैं सप्लाई की बात तो करूँ एल so, सी डी टी सो एल सी डी टी मतलब टीयरिंग इफेक्ट्स होता है जो कि आपको पता है एल सी डी के प्रोटोकॉल से जुड़ता है एंड जी पी आउट अगर हम जी पी आउट्स की सप्लाई को देखें तो ये इन आउट सप्लाई है जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे फ्यूल गेस सर्किट से जुड़ा हुआ है और बेसिकली आपने तो पढ़ा ही होगा नौ बोल किया आईसी भैया क्या काम करती है सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो फ्यूल के सर्किट से जी पी का डाटा यहाँ से उठा रही है फ्यूल गेज का डाटा यहाँ से उठा रही है यहाँ पर आने वाले सप्लाई में मिस्टेक आपकी फ्यूल गेज मतलब आपकी बैटरी के परसेंटेज को यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक आपको आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है यू कैन फेस ऑन प्रॉब्लम योर बैटरी परसेंटेज इन्फॉर्मेशन और दोस्तों अगर यहाँ पर दिस इज ऑल कैमरा सप्लाई एंड कैमरा मास्टर क्लॉक कैमरा मास्टर क्लॉक वन तो ये अलग अलग कैमरे के लिए मास्टर क्लॉक सप्लाई तो यहाँ पर बेसिकली मास्टर क्लॉक सप्लाई होती है आई टू सी सप्लाई आपको यहाँ पर दिख रही है आई टू सी एच डी एस सी तो यहाँ पर दो अलग अलग कैमरे हैं जिसमें आप देखो तो एक एच डी ए जीरो है और एच डी ए वन है तो दो आई टू सी की सप्लाई यहाँ पर दी हुई है क्योंकि यहाँ पर रियर कैमरा होगा फ्रंट कैमरा होगा इस तरीके से ये फ्लैश स्टोरेज नाव मतलब ये आपकी फ्लैश स्टोरेज की सप्लाई है और ये मास्टर कैमरा रिसेट की सप्लाई ये सारी की सारी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी कम्युनिकेट होनी चाहिए नहीं तो कैमरा काम करना बंद कर देगा मास्टर क्लॉक में देख सकते हैं

So, जो सप्लाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे फोर्थ यूएस बी बूट सो so, दोस्तों ये कर क्या रहा है वो दिस सप्लाई इज डूइंग अगर मैं बात करूं ये तुम्हारा ना ईडियल सप्लाई है ये अगर इसको तुम ना 1.8 के साथ शॉर्ट करते हो अगर ये शॉर्ट नहीं होगा ना तो तुम्हारा ईडियल नहीं बनेगा ठीक है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कैमरा की सप्लाई है रिसेट एंड ऑल और ये कैमरा आई डी आई डी कॉनिफिकेशन की लाइन है तो दिस इज़ नॉट योर दिस ऑल्सो तो इज नॉट नेसेसरी टू चेक वाइल वर्किंग ऑन सी पी यू और दोस्तों ये जो सप्लाई है ये तीनों की तीनों सप्लाई सेंसर से रिलेटेड है दिस इज अक्सकेरेशन इंटरप्टेड दिस इज एन ए एल एस पी विच कॉल्ड एमब लाइन सेंसर एंड दिस इज़ अ जारो इंटरप्टेड विच इज़ कनेक्टेड विद अ जारो सेंसर सो ऑल आर इंटरप्टेड लाइन इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन इन बिटवीन सिलेव एंड टू मास्टर एंड इस uh, ये कह सकते हैं ना कि भैया कोई हेल्प चाहिए हाँ चाहिए तो भैया बात कर लेना हेल्प चाहिए तो लो कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ए, ए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हाँ लाइन इस तरह से वर्क करती है सो इंटरप्टेड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सर्किट आई मस्ट टेल यू और नाइनटी परसेंट ना दिड इंटरप्रेड यही ओपन होती है तो so, अभी क्या है इसके बाद की सप्लाई की अगर हम बात करें यहां पर तो इसके बाद की सप्लाई में आप देख सकते हैं ये है फिंगरप्रिंट एल डी ओ ई एन ये फिंगरप्रिंट के जो हमारे एल डी लगे होते हैं उसके ई एन सिग्नल है फॉर एग्जाम्पल आपका जो एल डी ओ लगा होगा वन पॉइंट टू थ्री वाला जो चार का है उसमें जो ई एन आ रहा होगा तीन नंबर की सप्लाई पर उस पर ये वोल्टेज आ रहा है फिंगरप्रिंट के लिए ठीक है और ये है आपका यू आई एम इज़ वट इज़ कॉल्ड यू आई एम तो इसको हम कह सकते हैं भाई वॉट इज कॉल्ड यू आई एम तो यूजर आइडेंटिफाई मॉड्यूल एंड इट इज़ फॉर बैटरी अलार्म ये कंसर्न सप्लाई है जो कि या तो चार्जिंग या तो पावर है इससे जुड़ी होती है सो so, अब इसको चेक कर सकते हैं ये किससे जुड़ी हुई है और यहाँ पे हम बात करेंगे ये आपकी सारी यू आई एम वन यू आई एम टू ये आपकी सिम की सप्लाई है जिसको मैंने क्या बोला क्या बोल सकते हैं यूज़र अरे अभी बोला था भाई मेरे यूजर इंटरफेस मॉड्यूल ठीक है सो so, अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आप देखिए ये आ, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये सप्लाई अगर डिडेक्ट नहीं होगी तो सी पी यू सो आपका सिम डिडेक्ट ही नहीं होगा सो so, यू एम और यहाँ पर एस डी कार्ड डिडेक्ट ये एच डी कार्ड के डिडक्शन के लिए है। ये तो आपका यू सिम कार्ड डिडक्शन जी पे आई ओ की सप्लाई है जो कि आपको तो पता है ना कि आपका सिम को जी आपके सी से डिडक्शन पॉइंट मिलना चाहिए अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एल की लाइन है जो कि आपके फोन के डिस्प्ले uh, की फॉर्मवेयर को चेक करने के लिए है दिस लाइन इज ऑल्सो रिसेट योर एल सी डी ऑल इमेज तो एल सी डी रिसेट लाइन इज द लाइक मोस्ट रिक्वायर्ड लाइन फॉर द एल सी डी एंड ये इस लाइन पर वन पॉइंट एट वोल्टेज रहते हैं जो कि सी पी यू से डायरेक्टली आएंगे और आपको डिस्प्ले कनेक्टर पर मिलेंगे एंड uh, दोस्तों इसके बाद की जो सप्लाई है एस एम बी आई एन टी और मैंने बोला ना आई एन टी इंटरप्टेड इंटरप्टेड जो कि एक कम्युनिकेशन uh, है एक तरह से इंटरप्सन के कम्युनिकेशन है इंटरप्शन और ये एस मतलब चार्जिंग आई सी सो यहाँ पर एस एम कौन सी है अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पे एट नाइन uh, क्योंकि जो यहाँ सी की बात हो रही है तो एस एम बी आई पर आप देख सकते हैं तो ये जो uh, आपको छोटी सी सरकारी आईसी दिखाई दे रही है आई कैन से आप पता ही ना इस आईसी का नाम क्या है आप बता सकते हैं देखिए नीचे लिखा हुआ है पावर चार्जर बी क्यू तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एस एम बी ये देखो एस एम बी आई टू सी तो इसको बार बार एस एम बी बोला जा रहा है क्योंकि यहां पे चार्जिंग आई सी को एस एम बी आई सी को यहाँ डिनोट किया गया है और यहाँ पे आप देखिए तो इंटरप्टेड की लाइन जो कि सात नंबर पे आती है बी क्यू के और वहां पर आप देखिए एस एम बी इंटरप्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर तो ये कैमरा वी डी मतलब कैमरे के ई एन सिग्नल है जो कि हमारे सीपीओ से निकल रहे हैं जो कि जब हम कैमरे को ऑन करते हैं तो उसको एक सीपी सिग्नल देता है जो कि यहां पर वोल्टेज के रूप में होगा ये सप्लाई एन है मतलब ये हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है ये दोनों टच की सप्लाई है जिसमें रीसेट और आई की सप्लाई है यहां पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा जो कि सीपी यू खुद दे रहा है ये दोस्तों एक कॉन्फिकेशन पिन है जो कि कहीं नहीं जाती है तो सीपीओ के खुद की कॉन्फ्रिकेशन

एंड पी डी एम इज अ पल्स डेंसिटी मॉड्यूल एंड ऑल आर क्लॉक्सनाइज ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंड तो ये जो एक मॉड्यूलेशन सप्लाई है जो कि डिजिटल टू एन ओग एनएल डिजिटल हमारे आवाज को करने का काम करती है तो बेसिकली इट्स ऑल रिलेटेड विट अ कोडेक आई सी ठीक है ये प्रोटोकॉल है कोडेक आई सी के तो आई होप कि आप फिलहाल इसका थर्ड पार्ट समझे होंगे जी पी आई ओ आप अपन इसके सी के बाद जाते हैं नेक्स्ट तो सी के बाद जो आता है यू डबल वन जीरो वन और डैश डी ए बी सी डी राइट तो भैया अब डी में क्या क्या है तो डी इज आल्सो या डीज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ जीपीआईओ इट इज अ पार्ट टू ऑफ जीपीआईओ जनरल पर्पस इन आउट सो आप देखें तो ये भी कोडेक मतलब आपकी ऑडियो आईसी से रिलेटेड सप्लाई है तो ये भी आप चेक कर सकते हैं ऑडियो आईसी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा जो आपकी ऑडियो आईसी यहां पर ऑडियो आईसी आपकी पावर है तो आपको पावर निकाल के चेक करना पड़ेगा राइट और दोस्तों ये है ब्लूटूथ का सिंगल साइन बैंड बेसिकली इंटरफेस तो ये आपको चेक करने की कितनी ज़रूरत नहीं है हाँ अगर आप ब्लूटूथ में फंस रहे हैं तो आप ये इसके सप्लाई चेक कर सकते हैं ब्लूटूथ आईसी के अंदर आपको ये सप्लाई मिल जाएगी और दोस्तों डब्लू एल ये ऑल ये जो डब्लू एल है ये आपके वाईफाई से रिलेटेड है तो कमांड डाटा ये आपके जिसको हम बोल सकते हैं ना वायरलेस तो ये सप्लाई बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड है एफ एम की ये सिंगल साइन बैंड होते हैं ये एफ एम डाटा ब्लूटूथ कंट्रोल ब्लूटूथ डाटा और इंफ्रारेड ड्राइव सो बेसिकली ये सप्लाई हमारी कनेक्टेड है ब्लूटूथ और एफ एम और वाईफाई सप्लाइयों से अच्छा यहां पर अगर हम बात करें अब हम इन सप्लाई की बात करेंगे दोस्तों तो ये जो यहाँ पर ये टच फ्लैश मोड दिया हुआ है ये कैमरा फ्लस इनेबल मोड है तो ये यहाँ से और इस पर हम बात करेंगे वॉल्यूम अप की है जो कि आपकी वॉल्यूम अप की है जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड ये आपका कैमरा फ्लस ई सिग्नल है और ये, ये मोड है जिसको हम बोलते हैं ना मोड में हम स्विच करते हैं और यहाँ पर ये इसके ई सिग्नल है सो तो बेसिकली जब हम जब टच टॉर्च को दबाते हैं तो सी उसको इनेबल करता है और फ्लैश एल को देता है ठीक है अब यहाँ पे मोटर यह ड्राइव है ये आपके वाइब्रेटर से कनेक्टेड है और उसको जो कि उसके मेन ड्राइव मतलब बेसिकली व्हाट इज ड्राइव ड्राइव एक मॉड्यूल की जैसे काम करता है मतलब किसी को ड्राइव करना कंट्रोल करना तो वाइब्रेटर की कंट्रोल सप्लाई है दिस इज आर आर दिस इज आर एफ एफ ए सबसे ज्यादा आ, इसको ना हवा सप्लाई और इसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक एंड डाटा एंड ये आपको मिलेगी आ, कहीं ना कहीं या तो आपके बेसिकली अब देखो क्लॉक आर एफ एफ वन है तो ये देखना पड़ेगा कि किस में अगर मैं इसको जूम अगर इसको क्लिक करूँगा तो मे बी ये आपके पी एफ ओ में मिल सकती है मे बी आपके डब्ल्यू टी आर में मिल सकती है मे बी आपके डी आर एक्स में मिल सकती है ठीक है तो फिलहाल मैं यहीं पर रहूँगा दोस्तों जी आर एफ सी वन अंडर स्कोर एस एस ई एल तो ये क्या है दोस्तों ये इसको बोलते हैं जेनरिक आर एफ फॉर कंट्रोलिंग सो ये आर एफ कंट्रोलिंग सप्लाई है जेनरिक आर एफ कंट्रोलिंग जो छोटे छोटे बैंड होते हैं ना स्विचर्स बैंड होते हैं उनको जो हम सीपी से कनेक्ट करके डाटा शेयरिंग करते हैं मतलब कंट्रोल करते हैं डाटा शेयर नहीं कंट्रोल करना तो ये सारे हमारे छोटे छोटे बैंडों से कनेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल ये मैं दिखाना चाहूंगा एक सो आप नोटिस करना ये देखो या जो आपके छोटे छोटे ये दो बैंड थर्टी नाइन के साथ यहां पे कंट्रोल पिन है तो ये अलग अलग जो बैंड होते हैं ना यहाँ पर भी देखो तो आपको अलग अलग यहाँ पर बैंड को बैंडों के साथ कंट्रोल मिलेगा तो ये तो एक ही कंट्रोल है तो यहाँ पर इसके साथ कंट्रोल पिन यहाँ पे दिया हुआ है सो कि डी आर एक्स यहाँ पर मिड बैंड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है तो ये सप्लाई आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं ठीक है अब हम अपने सी पी यू पर वापस जाएंगे ये देखिए तो ये हमारे सारे बैंडों के कंट्रोल जेनरिक जिनको जेनरिक रेडियो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल की सप्लाई कहा जाती है ये भी हमारे रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सप्लाई है ये सारे के सारे और उसके बाद में दोस्तों हम बात करें ये एस्टल जी पी एस एल एन ए वट इज़ एल एन ए तो इसको लो नॉइज़ एम्पलीफायर कहा जाता है ये एक ई e सिग्नल के जैसे हैं जो कि सी को एक ई e सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है इसको चैनल जी एस एम ट्रांसमिशन फेस डाटा जीरो ये भी हमारे जो कि आर एफ सेक्शन के अंदर जा रहा है और ये हमारा आर एफ एफ फाइव जो कि ये हमारा मे बी जाता है पी एफ ओ और हमारे फोर जी पी एफ ओ टू जी पी एफ ओ और इसके साथ हमारा अगर ए पी टी लगा हुआ तो फिलहाल एट नाइन वन सेवन में ए पी टी नहीं है सो so, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर

एंड स्विचिंग एनलॉग इन सिग्नल एंड दिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एंटीना डिडक्शन जो की आपके एंटीना को मिलता है और ये डिडक्शन डिवर्डर सर्टिकट के थ्रू मिलता है जो एंटीना के साथ कनेक्ट होता है ठीक है अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डी हो गया अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं तो अब हम यहाँ ई e की बात करेंगे यू डबल वन जीरो वन अंडर स्कोर ई तो अब 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 सी पी यू को जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये मिपी की लाइन है और यहाँ पर ये मिपी में दो ही सप्लाई यहाँ पर दी गई है आइए इसको समझते हैं और ये इसके अलावा कुछ भी सप्लाई नहीं है तो फिलहाल इस सी पी यू में यहाँ पर मिपी के पावर नहीं दिए तो उसके बाद इसके मिपी के पावर दिए हैं जो कि पावर फेज वन टू थ्री फोर में आपको देखने को मिलेंगे आगे तीन सप्लाई हैं दोस्तों इसका क्या फुल फॉर्म है तो यह है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस सी एस मतलब कैमरा सीरियल इंटरफेस सी, कैमरा सी कैमरा सीएल इन आउट और लेन जीरो तो ये सारी सप्लाई कैमरे के प्रोटोकॉल हैं जिससे आपका सी पी यू कैमरे से इमेज लेता है जब आप इमेज कैप्चर करते हैं तो कैमरे से इमेज लेता है और ये वो सप्लाई है मिपी मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस डाटा तो ये डाटा डिस्प्ले बोलते तो डिस्प्ले सीएल इन आउट सप्लाई तो यहां से ना आपका जो सीपीयू है जो इमेज लेता है वो यहां से डिस्प्ले को देता है तो बेसिकली ये इमेज ट्रांसफर कर रहा है यहां से रिसीव कर रहा है यहां से ट्रांसफर कर रहा है थ्रू मीपी कॉइल ठीक है तो यहाँ पर अलग अलग क्यों है दोस्तों यहाँ पर ये यह अलग अलग क्यों है क्योंकि यहाँ पर आपके दो कैमरे यूज़ किए गए फ्रंट और रियर कैमरे तो इसलिए सी एस वन सी एस सी एस आई ये आपको दिख रहा है दिखाई दे रहा है और लेन सारे इसके डाटास होते हैं जिसमें से आपको uh, यहाँ पर लेन वन लेन टू इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये देखिए और डिस्प्ले में आपको तो पता है कि जीरो वन uh, जीरो वन टू थ्री और दो होते हैं क्लॉक पॉजिटिव एंड नेगेटिव और यहाँ पर ये बाकी को इन्होंने उन्होंने एन किया हुआ है तो ये तो रहा ई अब हम दोस्तों इसके बाद की सप्लाई लेंगे तो हम सीधे यू डबल वन अब जो जो आता जा रहा है हम उसको लेते जा रहे हैं ठीक है हम सीधे सीपी यहां डाल देते हैं अब देखिए हमारा कौन कौन सा ई हमारा हो चुका है ठीक है एफ अब एफ की बात करते हैं तो दोस्तों आ, यहाँ पर ये यह जो सप्लाई है ये बेस बेसबैन से रिलेटेड है और ये एक आर एक्स सेक्शन है सी ने अपना खुद का एक आर एक्स सेक्शन बना के रखा हुआ है सो so, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे सब पहले बेस बेसबेन रिसीविंग यहाँ पर एक आईओ डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये चैनल जीरो है चैनल वन है सो so, बेसिकली यहाँ पर आपको डब्ल्यू का देखिए प्राइमरी रिसीविंग प्राइमरी रिसीविंग और ये डी आर सो बेसिकली ये प्राइमरी जो हमारे पी से जो सप्लाई आती है और जो हमारे जो उसका बेसिकली पूरा डाटा होता है और ये डाटा हमें ब्ल्यू टी आर डाटा है सीपी को तो ये सप्लाई लगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें आप थर्टी थ्री नैनो हेनरी के कॉयल्स लगे हुए हैं अब इसके साथ आप देखेंगे सेम सप्लाई डी आर एक्स मतलब आपको पहले पी आर एक्स मिल गया और उसके बाद में डी आर एक्स मिल गया तो ये उसका आई क्यू डाटा हम इसको कह सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आप चेक कर सकते हैं डब्ल्यू टी आर निकाल के इसके जी आर सो so, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर यहाँ ये यह बात करेंगे डब्ल्यू एल ए एन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसको हम कहते हैं और ये है रजिस्टर अगर दोस्तों ये रजिस्टर भी निकलता है तो आपके जो वाईफाई को वाईफाई में आपके प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इसके साथ में ये वाईफाई का बेसमैंड वाईफाई फाई बेसमैंड आई क्यू डाटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ आल्सो कम्युनिकेशन बिटवीन द सी एंड द योर वाई का सो so, uh, बेसिकली इसको कैसा चेक करेंगे तो वाईफाई को निकाल के आप इसके जीआर आर आप वाईफाई के पैड पे चेक करेंगे अभी दोस्तों ये क्या होता है ये हमारे आ... ट्रांस ट्रांस ट्रांसमिटिंग की लाइन है जो कि हमारे डब्ल्यू को मिलती है आ, जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर होता है टी एक्स डिजिटल एनालॉग टू कन्वर्टेड देखो इसको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ टी एक्स डिजिटल एनालॉग कन्वर्टेड मतलब जो हमारे डिजिटल से एनालॉग सेग मी मौडुले, मॉड्यूलेशन मॉडुलेसन तो आप समझते होंगे जो हमारे डब्ल्यू करता है सो बेसिकली टी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टेड की आई डाटा लाइन है जो कि हमारे डब्ल्यू टी को चाहती है तो ये WTR में आप यहाँ पर GR को चेक करना हम जब भी भी देखते हैं कि हमारा नेटवर्क नहीं आता है या किसी वजह से या हमें जो कॉल कटती है या कॉल नहीं जा पाती है तो ये रीज़न पे हम ये सारी सप्लाइयाँ चेक करते हैं और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसको मैं और क्लास में बताता हूँ खैर फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे ये है टी एस डी ये वोल्टेज रेफरेंस की सप्लाई है और इसके अलावा ये है जी का बेसमेंट डाटा आई क्यू तो इसका भी बेसमेंट डाटा आई है ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है इतनी चेक करने के लिए अब इसके बाद बात करते हैं एच तो दोस्तों एच में पावर टू है तो हम पहले पावर वन में जाते हैं तो ये हमारा पावर वन देखो सी का ना खुद का एक पावर होता है मतलब सी को भी पावर चाहिए अब अब तक है ना सिर्फ पावर इसी में जूझ रहे हैं आप, आप देखो तो आपको पावर सीपीयू के भी पावर सेक्शन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सीपीयू के पावर सेक्शन की बात करेंगे MX MX मतलब मेमोरी होती है जिसको सीपीयू की खुद की मेमोरी है उस पर आप ये बक वोल्टेज बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ फ़िलहाल ये जो है वी डी डी एम एक्स ये ट्रांसमिशन डिजिटल डाटा टू कन्वर्टेड डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग एन्वर्सन से सप्लाई है जिसको एक वन पॉइंट टू एक लोअर एल डी यू की सप्लाई दी गई है और इसके बाद में ये सारी जो सप्लाई हैं ये आपके वी डी डी एम एक्स हैं जिसको रिक्वायर्ड होती है आपकी आ, बेसिकली जो बक सेक्शन्स होते हैं पॉइंट एट पॉइंट सेवन एंड दिस क्यू एफ पी रोम ये क्या है तो दोस्तों इट इज़ अ पावर फॉर प्रोग्रामिंग तो ये आप समझते हो कि सी पी की प्रोग्रामिंग के लिए तो ये वोल्टेज आपको दिया जाता है तो ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा जरूरी है 1.8 पॉइंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड फॉर यू वाइल वर्किंग ऑन द बूट किन्स ऑफ योर मोबाइल तो सी की बात करेंगे तो आर वन फाइव जीरो टू आपको ये चेक करना है ये लगा होना बहुत ज़रूरी है अगर अदरवाइज आप इसको जम्पर भी मार सकते हैं बिकॉज जीरोम्स का है अच्छा इसके बात करेंगे तो दोस्तों ये जो वी डी डी पी एक्स पी एस एस फॉर वोल्टेज फॉर पावर पैड यू नो पावर पैड की सप्लाई है पैड है और यहाँ पर बी बायस मतलब वोल्टेज बायस और ये सिक्योर डिजिटल और बेसिकली सिक्योर डिजिटल कंट्रोल सप्लाई है और ये यूजर इंटरफेस मॉड्यूल की सप्लाई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सप्लाई आ रही है जो कि सी को तो अब इसको चेक कर सकते हैं कहाँ से आ रही है और भी सारी जो सप्लाई है इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सी पी यू फॉर बुटिंग ऑफ सी पी यू और अगर ए पी सी की बात करेंगे तो दिस इज़ अ पावर फॉर माइक्रो प्रोसेसर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है ये भी कोड प्रोसेसर की सप्लाई है तो यहाँ पर आपको ये वोल्टेज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एस फाइव एस 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 कॉल्ड जिसको बक सप्लाई कहा जाता है तो इसको दो बक कॉलों से सप्लाई दी जा रही है और ए पी वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं जो कि आप जब चेक करेंगे तो उसको पॉइंट एट पाएंगे ठीक है अब इसमें हम पावर वन पढ़ लिया अब हम पावर टू पढ़ेंगे तो बेसिकली पावर टू यहाँ पर है सो पावर वन पढ़ने के बाद हम पावर टू को अगर हम देखें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर वी डी डी सी एक्स सी एक्स मतलब कोर्स सप्लाई होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सी पी यू में बहुत से कोर्स होते हैं तो उसको वोल्टेज देने के लिए आपकी बक्स सप्लाई है तो यहाँ पर तो सारा कोर की सप्लाई है और ये पी एक्स है जो कि पावर पैड सप्लाई है रिक्वायर्ड फोटो बूटा पो सी पी यू तो वी आर ई जी एल टू वन पॉइंट टू क्योंकि एक एल डी यू की सप्लाई यहाँ पर वन पॉइंट टू की मिल रही है आपने बस सडनली ये चेक करना है कि इन कैपेसिटर पर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे हैं तो आपने वोल्टेज को पूरा करना है बस आपको अपने प्रोटोकॉल को चेक करते रहना है वी डी ये सारी जो है ये पी एक्स की सप्लाई है तो ये आपको प्रोटोकॉल तो ये देखिए यहाँ पर आप सारे प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं ये वन पॉइंट एट वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं एंड अगर हम बात करेंगे सिम वन सिम टू के लिए बेसिकली सप्लाई है तो वी आर ई जी एल फिफ्टीन एल फोर्टीन जो कि आपकी एल डी एल लो, एल डी ओ बनती है जैसे आप वी रेक सप्लाई बोलते भी बोलते हैं अच्छा दोस्तों अब पावर थ्री की बात करें पावर थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप इसको समझेंगे तो ये बनो ना कि बहुत सारी चीज़ों का खुलासा तो यहाँ पर आप बात करें कि आप डिस्प्ले का सारे प्रोटोकॉल चेक करने के बाद भी आपके डिस्प्ले क्यों नहीं चलते हैं तो रीज़न ऑफ reason of reason why your display is not working the reason behind ये है कि आप देखिए यहाँ पे मिपी डी और यहाँ पे मिपी सी मतलब डिजिटल सी डिस्प्ले सी इंटरफेस और सी एस आई कैमरा सी इंटरफेस ये दोनों सप्लाई हैं आप देखो आपने ना बस ये वी मतलब वी डी डी ए का मतलब होता है वोल्टेज फॉर एनालॉग एंड मीपी मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेस इंटरफेस डिजिटल डिस्प्ले सीएल इंटरफेस तो ये एक पॉइंट फोर और एक वन पॉइंट टू सप्लाई बहुत रिक्वायर्ड है आपको जो कि आपको यहाँ से मिल रही है तो ये सप्लाई पूरी करना बस आपके लिए ज़रूरी है तो ये समझ लो कि आपको ये सप्लाई पूरी करना है और जब तक आई सी को पॉइंट फोर या तो हम बात करें वन पॉइंट टू वोल्टेज को नहीं मिलता है तो आपका जो सीपी है वो मिपी के अपने कंट्रोल सप्लाई जो मिपी की फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको पूरा नहीं कर पाएगा सेम ऐसे ही यहां पर आप आप देख सकते हैं वी डी डी ए फोल्टेज फॉर एन एल ओ डी एस आई ओ पी एल एल तो ये होता आ, इसको है इसको बोलते हैं पावर इसको बोलते हैं फेस लॉक लूप ओके फेस लॉक लूप इसको कहा जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई फॉर यू बस आप ये समझ लेना इसको 1.8 वोल्टेज पूरा दे दो आपकी डिस्प्ले की सप्लाई पूरी हो जाएगी डेस्क सेट वैसे ही वी ये डब्ल्यू लाइन की सप्लाई है वन एक रजिस्टर ये रजिस्टर हट जाएगा तो वह आपका वाईफाई काम करना इस वन का देगा और अगर हम अब या तो प्रॉब्लम आएगी आपके वाईफाई में ठीक है सेम ऐसा आप यहाँ पे बेसमेंट आर एक्स और ये चैनल जीरो चैनल वन आप देख सकते हैं तो ये ना इन सब के इनपुट वोल्टेज हैं आप देखो ना सी अगर आपका बेसमेंट बना रहा है तो सी पी पर क्योंकि यहाँ मॉडर्न देखा जाए तो डब्ल्यू में नहीं है बेसमेंट सी पी के अंदर है तो सी को भी एक इनपुट वोल्टेज चाहिए ना उसके साथ तो ये है 1.8 और 1.3 वोल्टेज यहाँ पर है जो कि एक एल सेक्शन से मिलकर बन रहा है VDD MSS also for the CPU तो यहाँ पर आप 1.2 वोल्टेज मिल है। से, तीन सप्लाई लिए मैं बहुत तरीके से बताना चाहता हूँ माफी चाहूंगा वीडियो लंबा होगा तो देखो मेरे भाई यूएस बी हाई स्पीडीडी यूएस बी के वन पॉइंट एट वोल्टेज और थ्री पॉइंट थ्री वोल्टेज ये दो वोल्टेज नहीं बने तो आपका पोर्ट नहीं बनेगा So, CPU तो सी पी आपका पोर्ट नहीं बनाएगा तो दिस टू वोल्टेज आर वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड सो आप ये समझो और यहीं पर ये अनलॉक वोल्टेज है यहीं पर ये डिजिटल वोल्टेज है जो 1.2 पॉइंट टू वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं 3.3 पॉइंट थ्री यहाँ पर मिल रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर मिल रहे हैं वन पॉइंट एट वोल्ट ठीक है बाकी सारे यहाँ पर पावर लॉक लॉक लूप जिसको हम बोले ना पावर जब सॉरी पावर फेस लॉक लूप की सप्लाई है सो दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट सो आपने ना बस ये प्रोटोकॉल पूरे करने हैं बिकॉज द पावर फॉर सिक्योर डिजिटल कैलिब्रेशन डिले सर्किट बट आप बस ये समझो देखो अगर बहुत गहराई में जाओगे ना तो भी अगर आपके तार उड़ जाएंगे तो आपको ही इतना क्यों समझ आप ये समझो कि मुझे अपने सी के प्रोटोकॉल पूरे करने हैं मतलब अगर मैं अपने सी के यहाँ पर वीडियी आर एस पी मतलब ये सारे अब हमारे जो आ, फेस लॉक लूप हैं जिसको हम बोलते हैं फेस लॉक लूप की सप्लाई बोलते हैं उनके सप्लाई के प्रोटोकॉल है आपको पूरे करने हैं वन पॉइंट इस तरह की सप्लाई और ये आपके रैम की सप्लाई है आप इसमें भी रैम में कुछ आपको इश्यूज पैदा हो सकते हैं अगर ये सप्लाई इसको नहीं मिलती है सो so, जब आपका पावर ऑन करता है तो सी के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल को पूरा करता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो अब इसके बाद पावर हमने तीनों पावर को पढ़ लिया है दोस्तों अब हम देखते हैं जे जे सप्लाई में हमारे सारे ग्राउंड हैं एल सप्लाई में हमारे सारे ग्राउंड हैं के सप्लाई में हमारे सारे ग्राउंड हैं और ए हम वापस आ गए तो ये हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल की लाइन है ये हम ई रैम की सप्लाई है जी पी आई जनरल पर्पज़ ये दो पार्ट में है पार्ट वन पार्ट टू भी हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ मिपी की सप्लाई की डिस्प्ले की सप्लाई कैसे बनती है और आपके कैमरे की सप्लाई कैसे बनती है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ये हमारे बेस बैंड का प्रोटोकॉल है जो कि सी का है क्या क्या चाहिए तो ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये हमारे पावर वन जो कि हमारे सी की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पावर व टू पावर वन और पावर थ्री तो ये है आपका पूरा की पूरा सीपीयू आई होप कि आपको अच्छा लगा हो थैंक यू वेरी देखने के लिए ऑल द बेस्ट का समझ में yes, प्रैक्टिकली yes, तो yes, क्या बात है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे देखते कि डाटा बचता है कि नहीं बजता तो थोड़ा सा बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं तो कैसे भी ओवरऑल बहुत बहुत धन्यवाद आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टर खोला विदाउट प्रिंट डैमेज कल से बेहतर हुआ आज कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ नहीं सर

कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप बहुत इतना कॉन्फिडेंस है ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है आ, चार वोल्ट अगर उस पर पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है ठीक है उसके ऐसे में जाता है जिसमें प्रोफेशन लगा हुआ है दार लगा हुआ है टीशर्ट आयोजन अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हुआ <laughs> क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं कौन सा फोन है तो तो ये तो वो वाई वन वाई वन है सीप्यू निकालने वाले आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी बीचना है अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी बीचना है भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू यही है यही है रार बस अब जीतना है लिखू इस दुनू को खोल के रख कसौटी तो वक्त की है हौसलों को खोल के रख रखना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख